टी20 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम को गुरुवार को खाली बस में रोड शो के बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा। भारतीय टीम के गुरुवार सुबह नई दिल्ली पहुंचने की उम्मीद थी और वैसे ही टीम दिल्ली पहुंच गई है। भारतीय टीम श्रेणी 4 के तूफान के कारण 3 दिन बारबाडोस में फंसे रहने के बाद अब दिल्ली आ गए हैं। एयर इंडिया के विशेष विमान AIC-24WC ने स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 4:50 पर उड़ान भरी और गुरुवार को भारतीय समयानुसार सुबह लगभग 6:20 पर दिल्ली पहुंच गए। विमान में भारतीय टीम, उसका सहयोगी स्टाफ, खिलाड़ियों के परिवार और कुछ भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी और भारतीय मीडिया के कुछ सदस्य सवार थे। इस विशेष उड़ान का इंतजाम BCCI ने किया था। BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने PTI से कहा कि टीम BCCI द्वारा मुहैया कराई गई है। एयर इंडिया के विशेष विमान से बारबाडोस से रवाना हो गई है। बारबाडोस में फंसे भारतीय पत्रकार भी BCCI अध्यक्ष और सचिव के साथ ही इसी फ्लाइट में आएंगे। उन्होंने कहा था कि फ्लाइट सुबह 6 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरेगी। टीम सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी से उनके निवास पर मुलाकात करेगी। इसके बाद टीम मुंबई के लिए उड़ान भरेगी, जहां उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शुक्ला ने कहा, नरीमन पॉइंट से खुली बस में रोड शो कराया जाएगा और फिर खिलाड़ियों को घोषित 125 करोड़ रुपए का पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय टीम शाम 4 बजे मुंबई पहुंचेगी और उसके नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मेंसिंग आर्ट्स में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जहां वो खुली बस में 2 घंटे की परेड शुरू करेंगे। खुली बस की परेड नरीमन पॉइंट के करीब NCPCA के शाम 5 बजे के आसपास शुरू होगी और लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद वानखेड़े स्टेडियम पहुंचेगी। खिलाड़ियों और टीम के सदस्यों को सम्मानित करने के लिए सम्मानित कार्यक्रम शाम 7 से 7:30 के बीच होगा, जिसके बाद खिलाड़ी अपने होटल रवाना हो जाएंगे। BCCI सचिव ने सभी खेल प्रमारियों को गुरुवार को शाम विक्ट्री परेड में जुड़ने का स्वागत किया है। शाह ने एक्स पर लिखा, टीम इंडिया के विश्व कप की जीत के जश्न में आयोजित विक्ट्री परेड में हमारे साथ आप भी जुड़िए। 4 जुलाई को शाम 5 बजे मरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम तक पहुंचकर हमारे साथ जश्न मनाइए। तारीख जरूर याद रखिए। इससे पहले भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर प्रशंसकों का स्वागत किया था। उन्होंने कहा, हम इस विशेष पल का आनंद आप सभी के साथ लेना चाहते हैं। तो चलिए इस जीत का जश्न 4 जुलाई को शाम 5 बजे के बाद मरीन ड्राइव और वानखेड़े पर विक्ट्री परेड के साथ मनाते हैं। रोहित ने एक्स पर लिखा, घर आ रहे हैं। भारतीय टीम के सदस्यों के लिए वानखेड़े में सम्मान समारोह की भी योजना बनाई गई है। इसी तरह का रोड शो 17 साल पहले भी कराया गया था, जब महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम ने 2007 में दक्षिण अफ्रीका में शुरुआती विश्व T20 के फाइनल्स में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने शनिवार को हुआ 2024 का T20 विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर 7 रन की रोमांचक जीत दर्ज कर खिताब जीता था। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।